राम राम भाई लागो। निकिता ड्राइंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं कि निकिता ड्राइंग क्लासेस भवानीपुरा सिक्कर में जो स्थित है, उस संस्था में कौन कौन से ऑप्टिकल बने हुए हैं और किस किस ऑप्टिकल पर कौन कौन से वाहनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि कौन कौन से ऑप्टिकल यहाँ मौजूद है, कौन कौन से ऑप्टिकल बनाए हुए हैं, कौन कौन से वाहनों से किन किन ऑप्टिकलों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये बोलेरो का एट बना हुआ है, यही बोलेरो की पार्किंग है। मतलब अभ्यर्थियों को पार्किंग से निकाल के और इस बोलेरो का जो एट बना हुआ है इसमें प्रैक्टिस करवाई जाती है और वापस इसी पार्किंग के अंदर गाड़ी को लगवाई जाती है। और इधर आप देख रहे होंगे कि टाटा 407 का एच बना हुआ है और इस साइड आप देख रहे होंगे कि जो ये बोलेरो खड़ी है, यहाँ ये बोलेरो का एल बना हुआ है। उधर उस साइड आप देख रहे हैं कि जो अशोक लीलैंड का वो डंपर है वो खड़ा है, जो है वो टी पे दिया जाता है प्रशिक्षण। उस साइड आप देख रहे होंगे कि एस मॉडल ट्रक खड़ा है, एस मॉडल ट्रक का एच बना हुआ है। ये जो ये भी एच आप देख रहे हैं वो एस मॉडल ट्रक का बना हुआ है। इस एच के ऊपर एस मॉडल ट्रक से अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये जो बस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो बस का एट बना हुआ है। इस बस से इसी एट के ऊपर प्रशिक्षित किया जाता है। बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस हिसाब से वाहनों की कटाई की जाती है, किस हिसाब से मिरर को चेंज किया जाता है। आप स्वयं इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो यहाँ अभ्यर्थी है वो किस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आपको मैं पूरा एट दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो बस का एट बना हुआ है पूरा वो किस हिसाब से बना हुआ है, कि जिसकी कितनी चौड़ाई है, कि मध्य में कितनी क्या है। ये बस का पार्किंग दिख रहा होगा आपको, मतलब इस एट के अंदर चला के बस को इधर पार्किंग करना होता है और इसी पार्किंग से निकाल के और इसमें एट कर रहे हैं। अभी जो अभ्यर्थी चला रहा है वो बस को एट के अंदर घुमा रहा है। आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी किस प्रकार से बस को एट में घुमा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और निकिता ड्राइंग क्लासेज की तरफ से मैं फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने परिवार और अपने शुभ चिंतकों का जो लक्ष्य है उनकी खुशियों का ध्यान में रखते हुए, उनके उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए अपना हौसला है वो अब जाया करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।